स्पार्टनवर्स की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन टीडीसी थर्ड सेमेस्टर का जो रिसेंटली डिक्लेयर किया रिजल्ट्स के रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, इससे आपको हमेशा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखो नोटिफिकेशन देखने के लिए पहले आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन फॉर कॉलेजेस, इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है, इस पे क्लिक करना। आप ये नोटिस देख सकते हो 14/2/2022 को नोटिस देगा, लिखा है रीप्रोसेसिंग ऑफ टीडीसी थर्ड सेमेस्टर 2020 जो रिसेंटली डिक्लेयर किया जो टीडीसी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, जिसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी दिया गया था पहले, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दिया गया। ठीक है, तो उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको डिटेल पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यह लिखा है टू द प्रिंसिपल ऑल जनरल डिग्री कॉलेजेस एफिलिएटेड टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट में लिखा है रीप्रोसेसिंग ऑफ टीडीसी थर्ड सेमेस्टर 2020 रिजल्ट। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन दिया गया है आपके रेस्पेक्टिव जो एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रिंसिपल है उनको दिया गया। ठीक है, जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था टीडीसी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, जो रिजल्ट रीप्रोसेस होगा तो उसके रिलेटेड यह नोटिफिकेशन दिया गया। यहाँ पे लिखा है जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन दिया गया था डेटेड 11 February 2022, जिसका डिटेल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था। अब आई बटन से वीडियो को देख सकते हो। प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया कॉलेजेस को, रेस्पेक्टिव कॉलेजेस को, कि अपलोड करने के लिए जो थ्योरी मार्क्स हो गया जो सिक्योर किए थे इन द असाइनमेंट्स टीडीसी थर्ड सेम एग्जामिनेशन 2020 जो हेल्ड हुआ था 2021 में फॉर द फॉलोइंग बैचेस, यहाँ पे बैचेस भी मेंशन किया गया है इन द जीयू पोर्टल रेस्पेक्टिव कॉलेज लॉगिन। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव कॉलेजेस को कहा गया जीयू पोर्टल पे यहाँ पे कॉलेज लॉगिन से जो भी रेस्पेक्टिव थ्योरी मार्क्स जो सिक्योर हुआ था असाइनमेंट में टीडीसी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2020 जो हेल्ड हुआ 2021 का जो भी थ्योरी मार्क्स अपलोड करने के लिए कॉलेजेस को कहा गया है। जो भी पोर्टल पे अपलोडिंग का मार्क्स का वो डेट्स यहाँ पे दिया गया, ओपन होगा फ्रॉम 17 February 2022 और जो एंटायर प्रोसेस वो कंप्लीट करना पड़ेगा कॉलेजेस को ऑन बिफोर 25 February 2022। ठीक है, यहाँ पे बैचेस लिखा गया रेगुलर बैच 2019, एरियर बैच 2017-18, आइडियल बैच 2019। तो ये टीडीसी थर्ड सेम का रिसेंटली डिक्लेयर रिजल्ट हुआ था, तो उसके लिए जो रिजल्ट रिप्रोसेस होगा तो यहाँ पे बैचेस भी दिया गया कौन सा टीडीसी थर्ड सेम का बैच का रिजल्ट रिप्रोसेस होगा और यहाँ पे कॉलेज को कहा गया डेट्स के अंदर अपलोड करने के लिए थ्योरी मार्क्स हो गया असाइनमेंट्स का। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो कुछ भी कंफ्यूजन होने से मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और नोटिफिकेशन चाहो तो डिटेल में पढ़ लो, जिनका रिजल्ट अभी टीडीसी थर्ड सेम का रिसेंटली डिक्लेयर रिजल्ट इन स्टूडेंट्स को मिला है, जो रिजल्ट रिप्रोसेसिंग के ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया कॉलेजेस को ही प्रोसेस करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। प्लीज वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब जरूर करो। स्क्रीन पे आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस दिख रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हो। देखने का शुक्रिया, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।